गुड मॉर्निंग, मैं सहाय सुमर, आप सभी के अपने चैनल SM ट्रांसलेशन में स्वागत करता है। आप पढ़ रहे हैं टेंस और आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस यानी भूतपूर्व काल। यानी ऐसे इसमें ऐसे वाक्यों का हम लोग प्रयोग पढ़ेंगे इस टेंस में जिसका हम लोग भूतकाल में वह वाक्य पूर्ण हुआ ऐसा प्रतीत होगा। ऐसा वाक्य मिलेगा जिसमें भूतकाल में कोई वाक्य पूर्ण हुआ हो, ऐसे वाक्यों को हम लोग यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस में पढ़ेंगे। इसके पहचान का बात करें, पहचान का बात करें तो आता है चुका था, चुके थे या फिर चुकी थी, या फिर ऐसे वाक्य है जैसे या था, ये थे, या फिर ऐसा वाक्य है जिससे लगे कि यह वाक्य पास्ट टेंस में हुआ है। यानी यह जो ऐसा वाक्य हमें मिले जिसके अंत में चुका है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर याद था, ये थे इत्यादि वर्ण आए जिससे लगे कि यह वाक्य पास्ट टेंस में पूर्ण किया गया है। ठीक है, तो ये तो इसका पहचान था। जब वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे या था, ए थे आए, तो यह वाक्य वो सब वाक्य होंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के। ठीक, इसका अगर हम लोग हेल्पिंग वर्ब का बात करें तो सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब होता है, वो होता है हैड। ठीक, उसके हेल्पिंग वर्ब होता है हैड। ये एक ही वर्ब हेल्पिंग वर्ब होता है Had। और अगर इसका क्रिया की फॉर्म का बात करें तो इसमें क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है, चाहे जो परफेक्ट टेंस रहे उसमें क्रिया का थर्ड फॉर्म आएगा। तो ये था इसका पहचान। जब हेल्पिंग वर्ब आएगा तो इसमें हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो हैड और इसका क्रिया का थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक, अब बात करें सिंपल सेंटेंस का। अब हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। यानी सिंपल सेंटेंस यानी ऐसा वाक्य हम लोग इसमें पढ़ेंगे जो एकदम साधारण रहेगा। यानी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, यानी साधारण वाक्य मिलेगा तो हम लोग ऐसे वाक्यों को सिंपल सेंटेंस में पढ़ते हैं। ठीक, यानी चाहे जो सब्जेक्ट आए, इसमें बहुवचन आए या एक वचन आए, कोई भी सब्जेक्ट आए, इसमें हम सिर्फ हैड का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब हैड और क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इसे सबसे पहले आता है इसका रूल, इसका रूल करें तो आएगा पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, सो ऑन सो ऑन। ठीक, इसमें क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाने का यह अर्थ होता है कि उससे यह स्पष्ट होता है कि यह क्रिया पूर्ण हो चुकी है। ठीक है, जब कोई भी वर्ब में क्रिया की थर्ड फॉर्म जुड़ जाती है तो वह वर्ब हो चुका होता है। ठीक है, तो अगर एग्जांपल का इसका बात करें, एग्जांपल्स जैसे मैं स्कूल जा चुका था, यानी कि इसमें देखिए चुका था, यानी यह क्रिया भूतकाल में हुआ था, यानी यह क्रिया भूतकाल में पूर्ण हो चुका है। तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग इस चुका था, चुकी थी आएगा तो इससे स्पष्ट होगा कि यह पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब इसको अगर ट्रांसलेट करें तो सिंपल है, इसमें ना प्रश्न दिया है ना नहीं सब दिया है, एकदम साधारण वाक्य है। इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी मैं, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो आई हो या कुछ भी सब्जेक्ट हो, हैड आएगा, आई हैड। उसके बाद क्या है,
क्रिया, इसमें क्रिया क्या हुई है, जाना होता है, तो जाना का गो का थर्ड फॉर्म वेंट, वेंट टू द स्कूल, ठीक, गो का थर्ड फॉर्म वेंट, ये होता है इसका थर्ड फॉर्म। और अगर एग्जांपल की बात करें, तुम कपड़े धुल चुके थे, तुम कपड़े धुल चुके थे, इसको अगर ट्रांसलेट करें तो आएगा सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तो यानी आ जाएगा यू, यू उसके बाद हैड, यू हैड उसके बाद क्या है, धुलना यानी वॉश, ठीक, वॉश मीन्स धुलना, वॉश का थर्ड फॉर्म वॉश्ड, क्लॉथ्स। अब देखिए कपड़े जा रहे हैं तो क्लॉथ्स रहेगा, क्लॉथ्स, इस प्रकार हम लोग इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। और एग्जांपल का बात करें, हम जैसे दे दे, हम तुमको यहाँ बुला चुके थे, ऐसे दे दे, हम तुमको यहाँ बुला चुके थे, तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले कौन इसमें सब्जेक्ट है, हम, यानी इसमें सब्जेक्ट हम है, ठीक, यानी वी आएगा, वी हो, वी के साथ हैड, उसके बाद क्या है, क्रिया कौन सी हुई है, बुलाना हुआ है, बुलाना क्रिया, तो कॉल मीन्स बुलाना, और कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, किसको बुलाए हैं, तुमको, तो कॉल टू यू, अब कहाँ बुलाए हैं, यहाँ पर बुलाए थे मतलब हेयर, तो ऐसे वी हैड कॉल टू यू हेयर, यानी हम तुमको यहाँ बुला चुके थे, ठीक। इस प्रकार हम लोग ढेर सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं, ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल आप सभी को मिल सकते हैं। और अगर एग्जाम्पल का बात करें तो एक और एग्जाम्पल देंगे हम, सरस नौकरी पा चुका था, ठीक, सरस नौकरी पा चुका था, अगर इसको ट्रांसलेट करें तो आ जाएगा सब्जेक्ट पहले रहेगा सरस, यानी सरस, उसके बाद इसमें सरस के साथ हो या कुछ भी हो हैड लगाएंगे, ठीक, सरस हैड, उसके बाद पाना, पाना गेट मीन्स पाना, गेट का थर्ड फॉर्म गॉट, गॉट ए जॉब, तो इस प्रकार हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल को, ऐसे जब कहीं पर भी आपको मिले चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो वो समझिएगा ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है, लेकिन अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं, मिले, तो ये पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रहेगा, उसका हेल्पिंग वर्ब होता हैज या हैव, और इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता हैड, ठीक, इसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब हैड होता है, और कोई भी परफेक्ट टेंस होता है उसमें हम लोग थर्ड फॉर्म लगाते हैं, परफेक्ट मीन्स पूर्ण होता है, इसलिए क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जिससे यह स्पष्ट हो कि यह क्रिया हो चुकी है, यानी चाहे वो भूतकाल में हुआ हो या वर्तमान काल में, यानी वह क्रिया संपन्न हो चुकी है। खैर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू, नमस्कार, और अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाइक जरूर करें, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे वंस अगेन।